जे बी मीडिया भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों चलो स्टार्ट करते हैं भोजन न्यूज बुलेटिन। साथियों सबसे पहले खबर निकल के आ रही है मीटू मूवमेंट को लेकर। टीवी पत्रकार विनोद दुआ पर फिल्म निर्माता ने लगाया गंभीर आरोप, तो क्या है पूरा मामला आइए मैं आपको बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने टीवी पत्रकार विनोद दुआ पर यौन शोषण व कदाचार का आरोप लगाया है। मी टू आंदोलन के तहत 53 वर्षीय महिला ने फेसबुक पोस्ट में आप बीती को बयां किया है। उनके अनुसार अलग अलग मौके पर दुआ ने एक भद्दा मजाक किया, चेहरे पर हावी हो गए और पीछा करते रहे। पीड़िता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, मैंने इस बारे में अपने भाई और दो वकील दोस्तों से बात की लेकिन शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस मामले को कानूनी रूप से आगे ले जाया जा सकता है। मुझे पता था कि हम बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए अदालत जाते हैं लेकिन तिरस्कार पर मामला कैसे बनता। विनोद दुआ द वायर के कंसल्टिंग एडिटर है और जन गण मन की बात नामक एक वीडियो शो होस्ट करते हैं। 5 अक्टूबर को अपने शो में उन्होंने भारत के मीटू अभियान पर बात की थी। जब द इंडियन एक्सप्रेस ने दुआ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वकीलों तथा सहयोगी से राय मशवरा कर रहा हूं और जल्दी इस पर बयान जारी करूंगा। साथियों अगली खबर निकल के आ रही है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि मनुवादी पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा कभी भी हमारी नहीं हो सकती, बसपा ही केवल हमारी पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा साहब का वह सपना पूरा होने जा रहा है जिसमें अब की बार बसपा ही केंद्र की सत्ता में पहुंचेगी। मुस्लिम और हमारा खून एक है, अब की बार हम सब एक होकर ही काम करेंगे। जातीय हिंसा के बाद शनिवार को पहली बार शब्बीरपुर पहुंचे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, अब की बार हम मेहनतकश लोग अपना हक लेकर रहेंगे। चंद्रशेखर जी ने आगे कहा कि अब 15% वाले दिल्ली पर नहीं होंगे। बहुजन समाज व मुस्लिम समाज का भला तभी हो सकता है जब उनके कब्जे में पूरी दिल्ली होगी। साथियों अगली खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर। बसपा जोगी गठबंधन के साथ साथ में आई अब ये पार्टी, तो क्या है पूरा मामला आइए मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को एक और सफलता मिल गई है। प्रदेश में मायावती और जोगी गठबंधन में अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई भी शामिल हो गई है। सीपीआई बस्तर के दंतेवाड़ा और कोंटा सीट से अपने 2 उम्मीदवार उतारेगी। दोनों ही सीटों पर सीपीआई का दबदबा है और पहले से ये दोनों सीटें उसी के कब्जे में थी। इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती से हरी झंडी मिलने के बाद सीपीआई को गठबंधन में शामिल किया गया है। यही नहीं बल्कि बसपा ने सीपीआई के लिए अपने कोटे की ही दोनों सीटें छोड़ी है। अब बसपा 35 के बजाय 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा को रोकने के लिए बसपा कितनी गंभीर है। साथियों आप सभी लोग बहुजन समाज की खबरें रोज पाना चाहते हैं और बहुजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं और क्या क्या बहुजन समाज में हो रहा है और सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।